तो फ्रेंड्स आप भी जानते ही होंगे कि मारुति सुजुकी काफ़ी सारी कार्स टोयोटा के लोगों के साथ भारतीय बाजार में जल्दी लॉन्च होने की तैयारी कर रही है और इनमें से काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी है जो कि मारुति सुजुकी की स्टाइलिंग कॉपी करते हैं और इसमें सारे काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी टोयोटा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है तो उनकी डिटेल आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसी सीरीज में बात करें नंबर थर्ड गाड़ी की तो वो है टोयोटा की बेल्टा। टोयोटा की बेल्टा सियाज का ही रीबेस्ड वर्जन है जो कि टोयोटा के लोगों के साथ भारतीय बाजार में जल्दी एक नए नाम से लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। इसे एंड 2021 तक भारतीय बाजार में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है जिसमें इसके मेजर चेंजेस की बात करें तो इसमें आपको थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि फ्रंट में आपको न्यू ग्रिल देखने को मिलने वाली है, उसके साथ आपको टोयोटा का लोगो भी देखने को मिलने वाला है। इसके बम्पर की बात करें तो बम्पर काफी ज्यादा स्टाइलिश इसमें दिया गया है। साथ ही इसमें आपको वही मारुति का 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 103 bhp की पावर एंड 138 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। टोयोटा बेल्टा सिमिलरली सियाज से सिमिलर रहने वाली है फीचर्स और ओवरऑल लुक्स में। बाकी इसमें आपको LED हेडलैम्प्स, LED डीआरएल्स, न्यू 3 स्लॉट क्रोम ग्रिल, 16 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले जिसमें भी आपको टोयोटा की बेजिंग देखने को मिलने वाली। साथ ही इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी मारुति की गाड़ी नहीं लेके टोयोटा के साथ टोयोटा बेल्टा खरीदना चाहते हो, टोयोटा की जो सर्विस है उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप ये गाड़ी जरूर खरीद सकते हैं। इसमें भी काफी लिमिटेड वेरियंट्स ही आने वाले जो कि आपको बलिनो में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप जानते ही है टोयोटा की जो अर्बन क्रूजर है और टोयोटा की ग्लेंजा उनमें आपको काफी लिमिटेड ऑप्शंस दिए गए हैं वेरिएंट्स में कंपैरेटिवली मारुति सुजुकी से। तो इसमें भी आप ऐसे ही मान सकते हैं कि इसमें भी आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाएंगे वेरिएंट्स में। साथ ही प्राइसिंग की बात कर तो 8,80,000 रुपीज से 11,70,000 रुपीज तक इसकी एक्सशोरूम प्राइस रह सकती है। सेकंड गाड़ी की बात करें तो वो है टोयोटा की रूमियन। टोयोटा की रूमियन बेसिकली इर्टिगा का ही वर्जन है जिसे टोयोटा की बेजिंग के साथ इंटरनेशनल मार्केट यानी साउथ अफ्रीका में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस गाड़ी को भारतीय बाजार में कंपनी जल्दी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जिसमें आपको काफी सारे न्यू लुक्स देखने को मिलने वाले। इसके फ्रंट में आपको काफी बड़ी न्यू क्रोम की ग्रिल देखने को मिलने वाली, बम्पर सेम टू सेम रहने वाले और रियर सेक्शन भी काफी ज्यादा सिमिलर लगने वाला आपको इर्टिगा। सिर्फ इसमें आपको टोयोटा की बेजिंग देखने को मिलने वाली और साइड सेक्शन की बात कर तो साइड में आपको टोयोटा के एलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले जो कि चेंज रहने वाले। इंटीरियर में आपको स्टीयरिंग पे टोयोटा की बेजिंग, टोयोटा का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला। साथ ही इसमें आपको काफी जगह जो मारुति सुजुकी की बेजिंग थी उसे हटा के टोयोटा की बेजिंग के साथ इसे कंपनी रिड्यूस करने जा रही है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1462 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 103 bhp की पावर जनरेट करता है। साथ ही इसमें आपको 1.5 लीटर का DDIS डीजल इंजन भी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है और इसमें आपको CNG वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला। साथ ही इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली जिससे आपको इसमें काफी अच्छा माइलेज की गाड़ी प्रोवाइड कर सकती है। इसके लुक्स आपको थोड़े से यूनिक देखने को मिलने वाले इसके करंट जनरेशन मारुति सुजुकी वाले वेरिएंट से। इसमें आपको काफी ज्यादा कर्वी डिजाइन एंड काफी एजेस देखने को मिलने वाले जिससे ये थोड़ा स्पोर्टी आपको फील कराती है। बाकी इसमें आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है और इसकी प्राइसिंग 8,77,000 रुपीस के आसपास स्टार्ट रहने वाली है। बाकी नंबर वन गाड़ी की बात करें तो वो है टोयोटा की वैगनार का इलेक्ट्रिक वर्जन। तो बेसिकली जो वैगनार है उसका इलेक्ट्रिक वर्जन की टेस्टिंग जोर शोर से चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वैगनार है ये टोयोटा की बेजिंग के साथ यानी टोयोटा की एक यूनिक टोयोटा की एक ईवी हो सकती है जिसे सिर्फ टोयोटा की बेजिंग के साथ ही बेचा जाएगा और टोयोटा के शोरूम में ही बेचा जा सकता है। बाकी इस गाड़ी की और लुक की बात करें तो सिमिलरली आपको टॉल बॉय वैगनार जैसे इसके लुक्स लगते हैं लेकिन इसमें आपको फ्रंट में काफी मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं जिसमें आपको स्प्लिट में हेडलैम्प्स दिए गए हैं टाटा HBX जैसे और बीच में आपको टोयोटा की बेजिंग देखने को मिलती है और एक सिंगल लाइन में इसकी ग्रिल दी गई है। काफी छोटा इसका बंपर दिया गया है जिसमें आपको दो फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं। साइड सेक्शन की बात करें तो साइड में आपको ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स दिए गए जो कि आपको सिमिलर इग्निस से लगते हैं। बाकी इसके और लुक की बात करें तो काफी ज्यादा वैगनार से इंस्पायर्ड लगती है। रियर सेक्शन की बात तो रियर में काफी बड़ी एलईडी टेलेम्स दी गई है, बम्पर की डिजाइन काफी हद तक चेंज कर दी गई है और बीच में आपको वैगनार की बेजिंग मिल जाती है। साथ ही इसमें आपको रियर वाइपर भी दिए गए हैं और लुक की बात करें तो काफी यूनिक ये गाड़ी लगती है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये टोयोटा की बेजिंग के साथ कितनी अच्छी गाड़ी लगती है। बाकी इंटीरियर भी आपको काफी मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले जिसमें आपको काफी बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स इस गाड़ी में कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। 15 इंच के इसके एलॉय व्हील्स रहने वाले, साथ ही इसके लुक्स काफी ज्यादा यूनिक रहने वाले। अभी इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ पाई, अगर उसकी भी कोई चाहती है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यही कुछ कार्स थी जो कि जल्दी भारतीय बाजार में लॉन्च होने की पूरी तैयारी कर रही है। तो फ्रेंड्स आप भी अगर इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।